व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल बायोलॉजी बाय क्लास फयाज कट्टी। जैसे कि आपको मालूम है कि इस चैनल के अंदर आपको बायोलॉजी की वीडियोस मिलती है, इसके अलावा मोटिवेशनल स्किल्स मिलती हैं कि किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरह से आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यू सॉल्व करने के जो ट्रिक्स हैं वो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से एमसीक्यू सॉल्व किया जाए, किस टाइम को मैनेज किया जाए। इसके लिए स्पेशल मैंने वीडियो बनाई है, उसकी मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, आप उसको जरूर देखिए। इसके अलावा जो है टॉपर्स कैसे जो है वो टॉप बनते हैं, इस तरह से हमने लास्ट, अभी हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, हमने लास्ट में पढ़ा था क्लोनिंग क्या होती है, ठीक है। क्लोनिंग पूरा कंप्लीट किया, क्लोनिंग क्या होती है, फिर क्लोनिंग में हमने देखा कि टाइप किस सेल्स में होती है, ठीक है। क्लोनिंग जो है वो कौन से जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, ठीक है। उसके फिर हमने आइडेंटिकल ट्विंस और जो है फ्रेटर्नल ट्विंस, इसका भी हमने डिफरेंस मालूम किया था कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। इसकी भी लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, आप या प्लेलिस्ट में जाएंगे, जब आप इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी वाले चैप्टर में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो उसके सारी वीडियो सारी कंप्लीट पड़ी हैं, सारे इंशाल्लाह आपको सब चीज मिलेगी। नाउ अब जो है हम पढ़ते हैं कि आर्टिफिशियल क्लोनिंग कैसे होती है, क्लियर। हमने नेचर क्लोनिंग पढ़ ली थी, आर्टिफिशियल क्लोनिंग करते हैं। इसको मिटाता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको और भी वीडियोस की अपडेट्स मिलती जाएंगी। अब जाते हैं आर्टिफिशियल क्लोनिंग की तरफ, क्लियर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इतना लेंदी में नहीं समझा रहा, आपको समझ में आ जाएगा। आर्टिफिशियल क्लोनिंग, ओके, आर्टिफिशियल क्लोनिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल क्लोनिंग क्या होती है, देखें, क्लोनिंग हमने पढ़ा, क्लोनिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनीथिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई भी चीज हो, सेल हो, जेनेटिक मटीरियल हो, कोई एंजाइम हो, हार्मोन हो, ठीक है। इसके अलावा आप सेल कह दें, कोई ऑर्गन हो जैसे हार्ट का, लिवर का, किसी भी चीज का जो हम कॉपी करें, ठीक है, पूरे ऑर्गेनिज्म का हम करें, कॉपी करें, पूरी चीज बनाए, उसको कहते हैं क्लोनिंग। नाउ नेचुरल क्लोनिंग भी पढ़ी थी, अब जो है हम चाहते हैं आर्टिफिशियल क्लोनिंग की तरफ। आर्टिफिशियल क्लोनिंग क्या, आर्टिफिशियल क्लोनिंग वो होती है जो हम खुद करवाते हैं, नेचुरल क्लोनिंग वो जो कुदरती होती है सिस्टम, किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी चीज के अंदर जो होती है, जैसे कैंसर सेल्स वगैरह होते हैं, ये नेचुरली होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि आर्टिफिशियल क्लोनिंग कैसे होती है। आर्टिफिशियल क्लोनिंग ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कोई चीज न्यू बनाने जा रहे हैं, तो हम खुद यूज करेंगे उस चीज को, उस प्लांट को, उस एनिमल को यूज करके उससे कोई चीज बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, ये हम कर सकते हैं, हर चीज की कर सकते हैं, लेकिन इंसान की नहीं कर सकते। इंसान की कर सकते हैं, साइंटिस्ट रिसर्च करके कर भी सकते हैं, लेकिन इसके बहुत बड़े मसाइल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जो है क्रिमिनल है उसका कॉपी बन जाती है दूसरी वो जो है क्रिमिनल की, लेकिन असली क्रिमिनल जो है वो फंस जाता है, वो बेचारा जो है वो बच जाता है, वो जो दूसरा जो है फंस जाता है, ठीक है। अगर कोई करेक्टर वाला बंदा अच्छा है, ठीक है, तो उसकी कोई कॉपी बना ले, फिर वो क्रिमिनल काम करने लगे तो उसकी जगह पे जो है वो फंस सकता है जो करेक्टर से अच्छा बंदा है। इस तरह से बहुत सारे मसाले पैदा हो सकते हैं, इसीलिए उस पर बैन लगा जाती, ठीक है, लेकिन कर सकते हैं, एनी हाउ कर सकते हैं। नाउ आर्टिफिशियल क्लोनिंग कैसे होती है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग में एक सिस्टम आता है, हमें पता है कि बॉडी सेल्स में होती है क्लोनिंग, क्लोनिंग में सोमेटिक सेल जो है इस्तेमाल होते हैं। नाउ सोमेटिक सेल्स के अंदर, अच्छा, यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक होता है डोनर, आर्टिफिशियल क्लोनिंग में डोनर होता है, दूसरा होता है एक्सेप्टर, ठीक है, डोनर और एक्सेप्टर से जो हम ये कर सकते हैं। आपको पता है कि आपको आपने कभी सुना होगा कि फला जो है बंदे ने जो है ना फला किस्म की जो है गाय का जो है एक बीज लाए हैं और यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द क्लोन थिंग जो है हमें कोई, फॉर एग्जांपल यूके में किसी और जो ममालिक के अंदर जो है हमें गाय अच्छी लग गई, हम चाहते हैं कि वैसी गाय यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे तो नहीं आ सकते, ला सकते, या उससे उसको पूरी को यहाँ पे नहीं ला सकते, तो वहां पे उसका बीज लाते हैं वहां पे। तो ये बीज क्या होता है, ये क्लोन होता है, ये कैसे बनता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। डोनर एंड एक्सेप्टर, वो होता है डोनर, यहाँ पे एक्सेप्टर, ये चीज समझाने वाला हूं भी, ठीक है। इसमें ये होता है, एक जो डोनर होता है, ठीक है, उसका जो सेल होता है बॉडी सेल यूज होता है, और जो एक्सेप्टर होता है उसका जो एग सेल इस्तेमाल होता है, याद रहे एग सेल, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो एग सेल है, ठीक है, एग सेल का जो है ये एग सेल, इसका जो है न्यूक्लियस जो है इसको रिमूव किया जाता है, तो बाकी क्या क्या बचा, खाली खाली, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म है लेकिन न्यूक्लियस
रिमूव हो गया, न्यूक्लियस रिमूव्ड, ओके, न्यूक्लियस रिमूव हो गया। पहले ये जो था ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, अब इसके अंदर सारा साइटोप्लाज्म ही मौजूद है और कुछ नहीं, क्लियर। अच्छा, इसको आप यहां पे रखें। अच्छा, अब जो जाते हैं डोनर की तरफ, डोनर का जो होता है कोई भी बॉडी सेल, कोई भी बॉडी सेल हम उठाते हैं, कोई बॉडी सेल हमने उठाया, उसका जो है न्यूक्लियस उसका भी हमने रिमूव किया, बाकी जो है साइटोप्लाज्म को बाहर फेंक दिया। यहां पे जो हमने एक सेल उठाया था उसका न्यूक्लियस जो रिमूव करके फेंक दिया, यहां पे साइटोप्लाज्म रखा। अब इसका जो है हमने क्या किया, यहां पे इसका जो है सेल का पूरी सेल जो है बाहर निकाल दिया, सिर्फ न्यूक्लियस जो हमने रखा, यही न्यूक्लियस जो है यहां पे ये देखें मौजूद है इसका, ये न्यूक्लियस हमने इंसर्ट किया किसके अंदर, इसके अंदर, किसके अंदर, जो एक सेल था जिसके अंदर हमने न्यूक्लियस रिमूव किया था, अब ये इसके अंदर एग के अंदर। हमें पता है कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बॉडी सेल के अंदर, और जो एक सेल होता है उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एन, ठीक है, यहां पे 2n होते हैं। अच्छा, कोई भी जायगोट बनता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, जायगोट के अंदर वापस 2n होता है और फिर वो ग्रो करने लगता है, एक जब फर्टिलाइज करता है स्पर्म से तो 2n हो जाता है, फिर वो काम करना शुरू हो जाता है। इसी तरह से बिल्कुल सेम यहां पे देखें, बॉडी सेल है जो 2n है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो यहां पे उसका न्यूक्लियस जो है हमने इसमें ऐड किया, जहां पे हैप्लोइड था मींस एक था वहां से न्यूक्लियस निकाल दिया, यहां पे एक जो हमने इंक्लूड कर लिया, किसके अंदर इंक्लूड किया, इसके अंदर, किसके अंदर जो है एक का जो साइटोप्लाज्म है सेल है उसके अंदर इंक्लूड किया। अब ये एक सेल है एक्ट करेगा एज ए जायगोट, क्या करेगा, एक्ट करेगा एज ए जायगोट। अब इस जायगोट को हम इंक्लूड करेंगे इस एक्सेप्टर के भ्रूण के अंदर, मतलब उसका जो यूटेरस होगा जहां पे बच्चे की जो पैदाइश होती है वो ग्रो करता है एम्ब्रियो, वहां पे इसको जो इंसर्ट करेंगे तो एक्ट करेगा एज ए जायगोट, फिर ये जो है प्रोड्यूस करता जाएगा। किस तरह से प्रोड्यूस करता जाएगा, जैसे कि नॉर्मल बेबी प्रोड्यूस करता है, ग्रो करता है, डेवलप करता है, इस तरह से डेवलप करता है, एक सेल से दो सेल बनेंगे, इस तरह से बनते जाएंगे, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब आपसे मैं सवाल करता हूं यहां पे, अब उसके अंदर जो है ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इस एक्सेप्टर जैसा बनेगा या डोनर जैसा बनेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे कि यहाँ पे डोनर जैसा बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो था डोनर का था, जेनेटिक मटेरियल इसका था वही, इसका सिर्फ साइटोप्लाज्म यूज हुआ है। इसी तरह से वो जो बीज लाते हैं वो क्या होता है, ये क्लोन हुआ हुआ सेल होता है, वो सेल को फिर इंसर्ट करवाते हैं, उसके अंदर जो है बेबी बनना शुरू हो जाता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द आर्टिफिशियल क्लोनिंग व्हिच लाइक हैपन लाइक दैट। अच्छा, स्कॉटलैंड के अंदर फर्स्ट जो है किसी एनिमल का जो क्लोनिंग हुई थी वो था स्कॉटलैंड के अंदर डोली शीप थी, डोली शीप को जो है बनाया गया था बाय दिस आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। डोली शीप के अंदर कोई और डोनर जो है यूज नहीं किया गया था, उसके अंदर उसी के अंदर ममरी ग्लैंड्स थे, उस एक फीमेल शीप थी उसके अंदर ममरी ग्लैंड्स से सेल उठाए गए थे, उसको जो है इंसर्ट किया था, उसका न्यूक्लियस जो है इंसर्ट किया था एक के अंदर, फिर वो जायगोट की तरह एक्ट करने लगा, उसी के अंदर बूम के अंदर लगाया गया तो एक प्रोडक्शन हो गई क्या, डोली शीप बन गई, ठीक है। इसी तरह से हमें पता चलता है कि आर्टिफिशियल क्लोनिंग इज पॉसिबल, इस तरह से हम कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आज का हमारा ये जो है लेक्चर कंप्लीट हुआ, नेचुरल क्लोनिंग कैसे होती है, क्लोनिंग क्या होती है, ये भी पहले मैं बता गया, एग्जाम चैप्टर को भी बहुत मजे से समझाया गया, स्टोरी के वे में समझाया गया, आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। अगर आप इस चैनल के अंदर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी, आपको ट्यूशन वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली मैं ये बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते और दिल से पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने अंदर आग लगी हुई है, फायर है कि आई हैव टू डू समथिंग, ठीक है। जिसके पास ये चीज है ना वो फिर कुछ भी कर सकता है, तो उनके पास पैसे अगर की पैसे वगैरह किस चीज की कमी है तो वो इससे देख सकते हैं। आजकल नेट तो हर किसी के पास होता है सिंपली, इसलिए ये यूज करके वो पढ़ सकते हैं। आप पढ़ें, अपने दोस्तों के साथ बताएं, उनको शेयर करें, इंशाल्लाह उनको फायदा होगा। ये एक सदका जारिया है और सदका जारिया है, कभी भी इसका जो है सवाब आपका खत्म नहीं होगा, ये मिलता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक का बटन दबा दें। बहुत शुक्रिया।